बिग बॉस 17 के विनर बनते ही मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान का रिएक्शन सामने आया है। आयशा ने शो में मुनव्वर पर कई आरोप लगाए थे, वहीं अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुनव्वर के विनर बनने की बात करती दिखाई दे रही हैं। मुनव्वर फारूकी सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विनर बन चुके हैं। मुनव्वर को बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ 50 लाख की प्राइज मनी और एक चमचमाती गाड़ी मिली है। मुनव्वर ने फिनाले में लाइव वोटिंग की बाजी मार अभिषेक कुमार को हरा दिया। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद मुनव्वर फारूकी के बाद अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो मुनव्वर के साथ साथ अभिषेक कुमार, अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा के बारे में भी बात करती दिखाई दी हैं। मुनव्वर फारूकी की जीत पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान ने कहा कि आपकी फ्रेंड अंकिता लोखंडे के बारे में क्या कहना चाहोगे? मनारा टॉप थ्री में आगे, पर अंकिता लोखंडे उनके पहले बाहर निकल गए थे, क्या कहना चाहिए? एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे लगा था कि एटलीस्ट मैं तो अंकिता जी को टॉप टू में देखती थी, पर ठीक है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो मुनव्वर को छोड़ सब के बारे में खुलकर बात करने को तैयार थी। भले ही मुनव्वर ने माफी मांग ली है, पर आयशा के मन में खटास अभी भी उनकी बातों से देखने को मिल रही है। आयशा खान को रियलिटी शो बिग बॉस 17 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट देखा गया था। उन्होंने शो में आके खुलासा किया था कि मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड है और उन पर डबल डेटिंग का आरोप भी लगाया था। अपने गेम को लेकर मुनव्वर ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं उनकी गेम को फ्लॉप करने के लिए उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान की एंट्री कराई गई थी।